लखनऊ में प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी मनमानी करना यहां पर शुरू कर दिया है, जहां पर कोरोना काल में मरीजों से मनमाने तरीके से अवैध वसूली यहां पर की जा रही है। वहीं पर इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने यहां पर ऑक्सीजन रहते हुए भी खाली बेड को खाली ही रखा है, ताकि वो मनमाने तरीके से पैसे वसूल सके, और इस पर सन हॉस्पिटल के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इसके अस्पतालों को यहां पर संदेश दिया गया है इससे कि अगर गलत तरीके से पैसे लेते हैं तो उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ यहां पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस पर जांचें हो रही है, समय समय पर औचक जांच हमारे लखनऊ के जिलाधिकारी ने भी किया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, वहां के लोगों को जो हॉस्पिटल के प्रबंधन है उनको काफी फटकार भी लगाया गया था, और स्वयं हमारे वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी भी केजीएमयू में जाके उन्होंने खुद देखा कि दो बेड इस तरह के खाली थे या पांच छह बेड खाली थे, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है। हम लोग अपने अपने विभागों के द्वारा सबको हिदायत दे रहे हैं कि एक बार आपको कोई भी बेड खाली होगा तत्काल उसको अपलोड करके हमारे ICCC में आपको सूचना देना है, ताकि हम वहाँ से अलॉटमेंट कर सकें। तो इसको कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो प्राइवेट हॉस्पिटल जानबूझ के बदमाशी भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन रहते हुए भी और खाली बेड को उन्होंने इस तरह से खाली रखा है ताकि वो अपना मनमानी रेट ले। इस पर सन हॉस्पिटल के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो गया है। एक संदेश जाएगा सभी अस्पतालों में कि अगर इस तरह से थोड़ा भी एडवांस का पैसा या गलत तरीका से आप पैसा लेते हैं किसी पेशेंट से तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार इसमें पूरी तरह सख्त है और औचक निरीक्षण द्वारा इनको पकड़ा भी जाएगा।